So you are seeing is how this old man working in this morgue and also make his body like इनके ये छोटे बच्चे जो स्कूलों में जाने चाहिए ये भी आकर बेचारे मिट्टी आगे पीछे करते हैं एंड हिज चिल्ड्रन यू कैन सी दिस लिटिल क्यूट चिल्ड्रन हु नीड इन दिस एज एजुकेशन बट नॉट एजुकेशन दे आर वर्किंग दिस मड दे आर मेकिंग ब्रिक्स सो क्योंकि बुजुर्गों के पास वसाइल भी नहीं है कि किसी दूर नजदीक से स्कूल इन बच्चों को भेज सके And these cute children are working here because this old man have no resources and nothing to pay his loan and to pay for these cute children's education. एक लाख रुपए के कर्जे की वजह से ये बुजुर्ग यहाँ फंसा हुआ है जो मेहनत मजदूरी कर रहा है एंड ही इज अंडर वन लेग लोन एंड वर्किंग हियर बिकॉज ऑफ लोन सो ये बुजुर्गो ताडे वास्ते दुआ गोवा और तुसी भी साडे वास्ते दुआ करनी है मैं भी दुआ भी करांगा और फिजिकली कोशिश भी कर रहे हैं कि असी खुदावन जिस तरह खुदावन ने मैनू भेजे मेरे पिछे खुदा मसीहा भेजे तो असं तुम इस खाते को साढ़ा लक रुपया दे के लोन से तुम रिहाई कर सो वी आर प्रेइंग फॉर यू एंड इन एवरी आवर वी आर आल्सो फिजिकली वर्किंग फॉर यू एंड वी प्रे एंड होप दैट गॉड सून ब्लेस समवन दैट वी कैन पे योर लोन And you can get freedom from this brickland and give these little cute children's education and they can. देखने और सुनने वालों से ये भी कहना चाहता हूँ कि बुजुर्ग कह रहे हैं कि बिशप डॉक्टर अहमद वकास इस कॉज के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम होपफुल हैं क्योंकि वो प्रॉपर विजिट करते हैं और इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं हमें उम्मीद है कि ये हमें रहाई दिलवाएंगे So this man is saying that we thanks Bishop Dr. Amar Vikas who visit us and working very hard for us. So we pray for all, for Bishop that may God bless Bishop Dr. Amar Vikas with abundance that he continues his preaching and his support system that and I believe that many will get freedom by this serving. और दुआओं से याद रखना और या वी आर प्रेइंग फॉर यू गॉड ब्लेस यू एंड शी इज सेइंग दैट वी थैंकफुल बिशप डॉक्टर एम वकास टू विजिट दिस ब्रिकलैंड एंड थिंक अबाउट अस सो वी होपफुल दैट फॉर बिशप डॉक्टर एम वकास समवन विल अराइज फॉर अस दैट समवन हेल्प देम हेल्प दिस विडो एंड हिज चिल्ड्रन दैट हिज चिल्ड्रन गेट a good life and also this widow I can get freedom from this brick land and spend their left life in thanksgiving and praise of Jesus Christ and also she can feed themselves so main khudaon ka shukr ada karta hu ki khudaon ne mujhe is khidmat ke liye chuna hai aur mere sath meri team badi khoobsurat zabardast hai एडवोकेट अरफान संधू साहब पास्टर प्रकाश साहब एवेंजलिस्ट सैमन साहब एवेंजलिस्ट आकाश और मकामी खादम जो हमारे अदारे की तरफ से काम कर रहे हैं पास्टर खालद मैं खुदा में उम्मीद करता हूं कि सारी टीम को साथ लेकर इस नेक काम में खुदावंद मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा कि हम ऐसी बेवा औरतों को आज़ादी दिलवाएँ बच्चों के लिए पढ़ने लिखने का बंदोबस्त करें ताकि बच्चे आला तालीम हासिल करके अपने मसीहा की और अपने मुल्क की और अपनी कौम की और अपनी मां के लिए वकार बुलंद करें एंड बिशप इज सेइंग दैट वी आर थैंक्स द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट हु चूज अस एंड ब्लेस अस वियंस टू गिव फ्रीडम दिस पीपल स्पेशली सच विडोज सो एंड वी प्रे एवरी डे एवरी नाइट एवरी आवर एंड होपफुल दैट Someone will help us in this regard, and as you know, we are with our team. You can see with Bishop, there is also advocate Sindhu, the pastors, evangelists,
Pastor Nikaj and Evangelist Simon and Nikaj. So we are with all the team serving among such peoples who are bound in labor and very downtrodden. So they need freedom. So we request everyone that please think about this and pray and also support financially these peoples and connect Bishop Dr. Mimbakas and become support him in this regard. और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बहन जो है ये विडो है और 2.5 लाख का इसके ऊपर कर्जा है जो ये सारी उम्र इसी तरह बच्चे जवान हो जाएंगे ये कभी भी अपना कर्जा नहीं उतार सकती ना ही अपने बच्चों को पढ़ा सकती. So I'm requesting as Bishop Dr. M. Vakas that this widow need help, need freedom, because there's no one who can support him, who can help him. His husband passed away 9 years ago, but now need him freedom. And I request everyone that please help this widow. And help that we can pay his 2.5 lakh loan that she can get freedom from this brickland. ताकि ये अपने बच्चों को यहाँ से गुलामी की जिंदगी में से निकलकर रिहाई आज़ादी में अपना आप पाल सके और अपने बच्चों को अच्छी जगह कोई पढ़ा सके. And we request this that this widow can feed his children and bring his children out of this slavery. And give them education and awareness about true Savior Jesus salvation, because as Bible say, then you will know the truth. Truth will set you free. We are free. Bible say we are free. We are not bounded. So today this is our responsibility to help such people that they can also get freedom and become true Christians in Pakistan. God bless you. आप बेटा उसी तरह पेड़े बनाओ और आप बेटा रेडी लेते आओ फिल्म बनानी है. Now you can see that how they are working. और लेके आ रहे हैं ना. Childhood, you can see how it's working in mud. First he pushed mud and then and you can also note something. Let's see how it's working. And we are doing this and realize that we are also doing this. And I want that everyone have a look upon this hardship and do something and feel this feeling like we are feeling and here with them. You can see how boy is working in childhood in this mud and in bonded labor. You can see this age of education, but now because of heavy loan, because of bonded labor, they are very, very under a depression. And I am praying, and this is my heart feeling to help such people. And I want education for such people that they can feed themselves by education. So we are praying for this purpose that we got best resources and soon arrange for such people. And you can see also this video and his daughter is working in this mud and making bricks. So ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.
ताकि जल्द खुदावन ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਤੇ ਜੇ ਤੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੁਦਾ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇ ਬੇਟਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੱਟੀ ਸੁੱਟ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਪੇੜੇ ਚ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂ ਮੱਟੀ ਲਿਆ ਉਧਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਕ੍ਰੋਸ बेटा क्या नाम है आपका मुशाल ये बेटे का नाम मुशाल है जो देखिए इसकी पढ़ने की उम्र है लेकिन अपने पेरेंट्स के साथ जो है ये मेहनत कर रहा है काम कर रहा है सो दिस नेम दिस बॉय नेम इज विशाल मुमान एंड ही इज वर्किंग विद हिज डैड एंड हिज मदर टू मेक ब्रिक्स अमर मसीह ये अमर मसीह है जो अपने खानदान के साथ मिलकर काम कर रहा है सो दिस पर्सन नेम इज अमर who is working is with his family in kitne log yahan par the ji gaati kitne fraud hain aap saat log to aap ghar mein bade hain theek hai saath aapke ek walida hai aur abbu to total saat log hain jo jin mein bacche bhi shamil hain apne khandan ki kafalat ke liye is patte par kaam kar rahe hain he have 5 or 6 member in his family who are working with him in this bricklaying. Seven members. So they are all bounded labor. कितनी देर हो गई है? 6 साल आपको यहाँ हो गए हैं काम करते. And for 6 years he is in bounded labor in this bricklaying. और ये यहाँ जो हमारे local मास्टर काम कर रहा है ये उनके साथ ढोलक मास्टर के तौर पर भी काम करता है खुदा से प्यार करने वाला ये एंड लुक द लव ऑफ जीसस क्राइस्ट दिस अ यंग क्रिश्चियन बॉय आल्सो प्ले म्यूजिक इन चर्च एंड दिस ब्रिकलैंड सो विद लोकल मास्टर ही इज आल्सो म्यूजिक प्लेयर इन दिस ब्रिकलैंड एंड दे प्ले द जीसस क्राइस्ट विद द instruments of music like karza kitna hai 2 lakh karze ki wajah se ye 7 afraad jisme ye bachcha bhi shamil hai aap dekh rahe hain bachche ko bhi ye padhne ki umar hai lekin usse kaam liya ja raha hai majboori hai sahel nahi hai 2 lakh rupaye karze ki wajah se ye puri family yahan par bounded hai and by a 2 lakh loan he is bounded in land aapke khandan jo about dad dada wagera wo bhi bachon par kaam karte hain ye khandani virasat mein inhe jo hai ye bounded labor di hui hai wo bechare bade jo hai guzar gaye hain unke aage bete ये बेचारे लोन की वजह से दबे ही रहते हैं इस मिट्टी में से निकल ही नहीं पाते कर्जा इतना चढ़ जाता है एंड दिस क्रिश्चियन मैन इज बाउंडेड बाय जनरेशंस ही इज सेइंग दैट हिज फोरफादर वाज आल्सो वर्किंग दिस ब्रिक लैंड एंड दिस इज लाइक अ जनरेशन वर्किंग वर्क इन स्लेवरी एंड इन बॉन्डेज भाई का ये भी कहना है कि arrange our payment that we can pay our loan and let ourselves from this slavery out and give a good and easy life
खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा आपके लिए बेहतर मुहैया करेगा। ये बच्चे को बेहतर कराओ। आपका नाम क्या है? विशाल। ये बेटा विशाल मसीह है। इनको ये चाहिए कि ये पढ़ने के लिए जाए, लेकिन वसाइल ना होने की वजह से ये अपने पेरेंट्स के साथ जो है वहाँ फंसा हुआ है। बेटा आपके लिए स्कूल का आपके ये लोन का हम करते हैं, खुदा बंदोबस्त करेगा। सो दिस पर्सन चाइल्ड नेम विशाल, दिस यू कैन सी दिस चिल्ड्रन हु इज वर्किंग विद हिज डैड हु नीड फ्रीडम एंड एजुकेशन इन हिज चाइल्डहुड। सो रिक्वेस्ट एवरीवन दैट प्लीज राइज अप and do something for these children that we can give them education. Beta khudaunda aapko barkat de, hum aapke liye dua go hain, aapke maa baap ke liye bhi, aur jald aapke liye jo hai ye bandobast hoga. Brother khudaunda pray for you and khudaunda aapko barkat de, God provide and we will help you. Local pastor here in this Brickland, he is serving from Bishop Dr. Anand Vakas here in this Brickland, and also he is under a heavy loan and working in this Brickland as bounded labor. You can see this pastor also doing this work and suffering in this mud and making bricks. So let's see how this pastor how his pastor continues preaching and also working in this Brickland. Okay, let's see all this pastor. You can see this in all days, you can see this pastor because he is Kari sahab, good morning. Theek hai, aap kaise in Christ? Aaj khuda ka shukar hai ki hum aapke बटे पर जितने लोग काम करते हैं, आप खुद भी बड़े मेहनत से काम करते हैं, आपको मिलने के लिए सलाम करने के लिए आए। एंड वी थैंक्स गॉड दैट वी आर हियर इन दिस ब्रिकलैंड टू मीट यू, दैट यू आर प्रीचिंग ऑन बिहाफ ऑफ आवर प्लेटफॉर्म इन दिस ब्रिकलैंड एंड प्रीचिंग द गॉस्पल एंड सेल्वेशन ऑफ जीसस क्राइस्ट अमंग द डाउनट्रोडन एंड अमंग द वेरी पुअर पीपल्स। ये पारी काले साहब हैं जो अरसा 9 साल से इसी रायवेंड एरिया भट्ठा सन्यारा वाला और इर्द गिर्द और भी भट्ठे हैं जहां पर सुबह अपनी मेहनत करते हैं और शाम को सेल स्पोर्ट हमारे दायरे के साथ एज ए पास्टर काम कर रहे हैं। His name is Pastor Khalid. He is serving with Bishop Dr. Anand Vakas in One in Christ Ministry. So in morning he work here in this Brickland because he is serving self support. Therefore he make bricks in morning and in night he preach the gospel good news of Jesus Christ. So पारी साहब की मिसेज है, मिसेज के ऊपर भी कैमरा मारें पता चले पारी साहब मेहनती है और किस तरह उनकी मिसेज के साथ जो है काम कर रही है, मेहनत कर रही है। उधर से होके बेटा, यू कैन सी द हार्डशिप ऑफ दिस पास्टर, उधर जरा देख लो। आल्सो हिज वाइफ इज वर्किंग दिस ब्रिकलैंड एंड फेसिंग अ वेरी डिफिकल्टी इन ओल्ड एज। पारी साहब के दो बेटे हैं, इनकी पढ़ने की उम्र है लेकिन हालात और मुल्की हालात की वजह से भी और अपने माली हालात की वजह से अपने बच्चों को सही तरह तालीम भी नहीं दिलवा सकते, दोनों काम पे लगे हुए हैं। अभी हम वो भी आपको बताते हैं। एंड दिस पास्टर हैव टू सन्स हु दे आर आल्सो वर्किंग विद हिम बिकॉज़ फाइनेंशियली नॉट फॉर वेरी वीक
and in poverty. His sons in a young age also working with him to बेटा आप इधर आओ ये देखिए ये पारी साहब का बेटा है बेचारा पढ़ने के काबिल है लेकिन हालात की वजह से वो माँ बाप का जो है साथ काम कर रहा यंग बॉय सन ऑफ पास्टर एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियली कंडीशन ही इज वर्किंग विद हिज डैड और दूसरा बेटा भी जरा उस पर भी बेटा कैमरा मार कर एंड आल्सो अदर वन दूसरा बेटा भी साथ जो है He is the older son of our blood pastor who is working in this land and very difficulties they face you can see and realize by watching this. आप देख रहे हैं कि मुल्क पाकिस्तान में कितनी गुर्बत है कितने लोग जो चाइल्ड लेबर है बॉन्डेड हुए हुए हैं माँ बाप के साथ वट्टा मालकों ने उन्हें कर्जे के नीचे दबा कर बॉन्ड किया हुआ है कि वो भट्टों से बार दफा अपने रिश्तेदारों को मिलने भी नहीं जा सकते एंड यू नो दिस ऑल बाउंडेड लेबर आर इन वेरी डिफिकल्टी एंड इन स्लेवरी दैट दे ओनर्स The owners of this land, brickland, who are in charge, they never let them go out of this slavery. Even they can't meet their relatives out of this land because they are bounded by their owners in this bhatta brickland. Pal sahab, aapka kitna karza hai? 3 lakh का कर्जा है जिसकी वजह से पारी साहब खुद भी बाउंड हुए हुए हैं बच्चे भी खानदान भी ये नस्ल दर नस्ल जो है इस बटे पर फंसे हुए हैं पहले इनके वालिद साहब थे फिर इनके भाई थे पूरा खानदान ही जो बटे पर बाउंड हो जाता है वो इस मिट्टी में ही मिलकर ही ऊपर जाकर ही निकलता है नीचे कोई मसीहा बनने के लिए तैयार ही नहीं है So this pastor is under a 2.5 lakh loan and because of this loan he is bounded with his family in this brick land. So we request everyone that please help this pastor and support him that he can get freedom from this land. Parsha, main aapko pata hai ki aap adare ke sarsad rahe hain aur main khud bhi self support काम कर रहा हूँ आप भी कर रहे हैं और मैं खुदावंद के आगे दुआगो हूँ कि जल्द खुदावंद हमें मूसा की तरह इंटरनेशनल मसीहा देगा ताकि आप लोगों की यहाँ से रहाई आज़ादी भी हो सके और आपके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ सकें आप अपना बाहर घर बना सकें आप ये दुआ भी करेंगे और उम्मीद है कि देखने और सुनने वालों में से खुदावंद मूसा हमारे लिए पैदा करेगा जो आप लोगों के लिए हम काम कर सकें So Bishop is saying to his beloved pastor that we are also serving self-support and we have feelings for you, we have love for you and that we are here to record your difficulty and suffering hardship. So Bishop is saying that he requests everyone that please help us that we can support our all the preachers who are serving with us self-support. So so this is God's plan and his revival I think so Bishop is saying that we are hopeful and we are in praying that soon God will choose someone like Moses who can help us to bring all these people out of slavery for the glory of God ben ji aap bhi idhar aa jaye bhai aa jaye kyunki ye khadam bhi yahan phansa hua hai idhar samne aa jaye us taraf acha aap banjir sahab aa gaye hain इस पारी साहब के लिए इनके बेटों के लिए बीवी के लिए खानदान के लिए आप खसूसी जो है दुआ मांगें ताकि इनकी रहाई के लिए खुदावन जो है मूसा मुहैया करे सो लेट्स प्रे ओ हेवनली फादर वी आर
grateful to you for all your mercy. Thank you. And today for this opportunity that you prepared us to visit your people whom you love and you care about, so that we may feel the same love and same care for those people. And we request unto you for all these Abrikilan people, Lord, please provide us all the resources and prepare your other servants and people and put your mercy in their hearts, so that they will work gather by with us with one in Christ ministry for the glory of God. And we all may build good sources, so that we can pay the loans of this poor Abrikilan people, and they may get freedom from their slavery, and your name may be glorified in all the world, and all people may see that you are powerful and you have the power to do all works. And again, we request unto you, please bless One in Christ ministry, and bless Bishop Dr. M. Vakas and all the team who are with us in this regard, and all our brothers and sisters in all over the world internationally who are watching us. Oh God, please put your mercy in their hearts, so that they may work with us in this regard, so that your name may be glorified, and we may work very well for the freedom of this people. We request unto you in the name of the God Almighty. Amen. हम सब अपने हाथ आसमान की तरफ उठाएं, वही दुआ करें जो यीशु मसीह ने हमें सिखाई है। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान पर पूरी होती है जमीन पर, हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर, हमें अजमाइश में न ला बल्कि भलाई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकों की रफाकत, शराकत, खुदावंद यीशु मसीह के चेहरे का नूर पारी साहब इनके घराने पर और जितने भी बटा लेबर्स हैं उन पर, ईमानदारों पर, आलमगीर कलीसिया पर अब लबाद तक कायम और बाकी रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक लो जी भाई साहब, गॉड ब्लेस। थोड़ा के आया ना तू, बहुत दूर यार। और भाई यीशु मसीह की हालत ठीक हो? की होया ताडे? सर मेरा टूट गया है। ये देखने और सुनने वालों की सलामती चाहता हूँ। ग्रीटिंग्स ऑल व्यूअर्स। ये भाई का बाजू जो है टूटा हुआ है, लेकिन मजबूरी की वजह से अपने बच्चों को पालने के लिए वो इतना सख्त मेहनत जो है कर रहा है। So this person you are looking, his arm is broken, but with broken arm he is working in this labor and brickland for his children. Ashraf Masih iska naam hai. His name is Ashraf Masih. He belongs to Christian family. टोटल कितने ये घर के पांच अफराद हैं जो इस यहाँ पर काम करते हैं। And he had five members who are also working with him in this brickland and facing such, you can see this, facing such hardship and such suffering. So कर्जा कितने का दे? ये लोग 360,000 की वजह से अपने नस्ल दर नस्ल इस भट्टे के काम में जो है ये बेचारे फंसे हुए हैं। And for 3 lakh long he is under this heavy suffering and bound labor. So this is from generation to generation because they I can't pay their loan, they are very poor, even they I can't feed themselves properly. इनके ऊपर कर्जा ही इतना है, बटा मालक जाने नहीं देते गमी खुशी पर भी जितनी देर तक कर्ज नहीं उतर जाता। And because of heavy loan, their owners of this brickland never let them go to walk out of this land and to work out of this land. So this is their need. They can't do anything out of this. ये भाई मसीहा के इंतजार में हैं, क्योंकि इनका जो कर्ज है वो अदा कर दे ताकि ये
फ्रीडम जो है वो महसूस करें और अपने बच्चों को अच्छी जगह पर पढ़ा सकें और कोई और काम कर सकें, यहाँ से रिहाई आज़ादी मिल सके। And this person is looking for a savior like Moses, that may God bless someone that who help him to pay a heavy loan that he can get freedom and give his children education, better life, and bring them out of this brick land, out of this hardship and suffering. So let's look how this man worked. And with broken arm, his arm is not worked properly, but he is working in this labor, in this mud. You can see that how with suffering and hardship he is doing this and make bricks to feed his children and himself. ये इनके साथ ये छोटी बेटियां हैं जिनको स्कूल जाना चाहिए, वो भी यहाँ काम कर रही हैं। And you can see this little daughter, that this daughter need education, not these bricks, but because of his poverty, he is working with his family in this brick land. So we request everyone that please think about this and help such people that this little daughter get education and also get awareness about Jesus' salvation. So this will be possible when someone will help him to get freedom and with help him in a school system, in education, that like this daughter, man children get education and feed themselves by education and bring themselves out of slavery by education. हम आपके लिए दुआ भी करेंगे और कोशिश भी कर रहे हैं कि खुदा जल्द आपके लिए मसीहा भेजे, हम आप लोगों को यहाँ से रिहाई दिलवाएं और आप अपने बच्चों को अच्छी जगह पर पढ़ा सकें और अच्छे कारोबार कर सकें। So we are praying for you and we hopeful that soon God will bless someone and choose someone like Moses, that you soon will get a freedom from this big land and will free and live your life in better manner and in good way. So we are prayerful every day and we are hopeful every minute for you and for us all peoples who are like you in this labor. So thank you. May God bless you. खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं। आज हम अपना पास्टर साहब ये पट्ठा कि है पट्ठे का नाम की ना है अपने पटियाले का पट्ठे का नाम हाजी तहर। आज हम हाजी तहर सिलियारा के पट्ठे पास जिला रायवंड हम आए हैं। जिला कसूर है, रायवंड सिटी है और यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं हमारे गरीब भाई किस तरह से मजदूरी कर रहे हैं। तो greetings in the mighty name of our Lord Jesus. Today we are here in this brick land where you can see many poor, downtrodden, labor-bound people are working. बेटा ये देखें सारा बनाए फिल्म आगे आते हैं। So let's see how this labor-bound people work. You can see this. That these poor people work very hard. You can observe their hardship and their difficulty. So, okay.
So now we have some little gifts for this bonded labor. ये बच्चे भी अपने माँ-बाप के साथ काम करते हैं. And not just these people, also the children are working here in this area. And from childhood, they are working and face such a hardship in this shiny season and warm season. You can see these children with their parents are working and help them. So we are distributing little gifts. नाम क्या आपका? इधर आ जाओ. अरफान. मोहम्मद इरफान. प्यार. मोहम्मद प्यार. Very good, very good. God bless you. God bless you. ये आ जाओ. आप क्या लाइक? आप जल्दी आ जाओ. बाबा जी की नाम जी असलम. ये हम जहाँ पर काम हो रहा है भाई असलम साहब है, मोहम्मद असलम साहब, सारी फैमिली जो है काम कर रही है. Suffering now and facing such situation. आपके खानदान के कितने लोग हैं टोटल? एक अभी ना टोटल कितने जो खानदान हैं? तीन भाई. वो कितने लगे? उन्होंने बड़ा शो मेरा उधर. आ मैं भाई टोटल कितने जी से खानदान दे? अपने फैमिली. एक खानदान अपने फैमिली. So he's saying that his own family with three brothers. He is an older and younger brother who is working in this land. So in his total 8 brothers, 6 sisters and 2 daughters. And he has 6 sons and 2 daughters who are also working with him in this big land. इधर आओ बेटा, आ गया हो. ये बच्चे भी साथ ईंटे वगैरह आगे पीछे करने के लिए इधर ये बच्चे भी साथ माँ बाप के इधर यहाँ काम करते हैं. एजुकेशन का इंतजाम नहीं है. So freedom is crying. तो ये उम्मीद करते हैं शुभकार जैसा कोई मसीहा जैसे ये आए हैं इनके साथ पैश हो ताकि इनका कर्जा वगैरह तार कर रहाई दिलाई जा सके. And we are hopeful that God also choose someone with Bishop Dr. Vakas, that may Lord Almighty bless our Lord Bishop to preach among the persecuted and bonded labor, that and we hope and pray that God also choose someone to help in this regard, Bishop Dr. Mimbakas, to bring this bonded labor out of slavery. बुजुर्गों आपने तो कर्जा किन्हें टोटल अपना दस ना ना इस वक्त भाई मोहम्मद असलम ते उन्हें तो लेना पड़ता है 4 लाख रुपया इनका कर्जा है जो जिस पर ये मकरूज हैं, जिसकी वजह से इनके बीवी इनके बेटे बेटियां और ये छोटे बच्चे जो हैं साथ मिलकर काम करते हैं और कर्ज वो दिन पर दिन जो है बढ़ता जा रहा है. सो दिस पर्सन इज सेइंग दैट ही इज अंडर 4 लाख लोन अंडर लोन हैवी लोन देयरफॉर ही कांट लेट हिमसेल्फ फ्री फ्रॉम दिस land and slavery and this labor. So इसलिए मैं खुदा का कदम होते हुए अपने देखने और सुनने वालों से गुजारिश करता हूँ इस
पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और बहुत सारे मोहम्मद असम जैसे लोग भट्टों पर नस्ल दर नस्ल जो है फंसे हुए हैं, जो इस मिट्टी में से निकल ही नहीं सकते। लिहाजा इन पर रहम किया जाए, इनके लिए कर्ज़े का बंदोबस्त किया जाए ताकि ये इस भट्टे से रहाई हासिल कर सकें और अपने बच्चों को तालीम दिलवा सकें और इनके लिए बच्चों के लिए एजुकेशन का भी इंतज़ाम किया। सो वी रिक्वेस्ट ऑल द व्यूअर्स दैट प्लीज हेल्प अस इन दिस रिगार्ड एंड बिकम आवर अ सपोर्टर टू हेल्प सच पीपल्स दैट दे कैन गेट फ्रीडम एंड दे कैन लाइफ दे कैन गेट अ बेटर लाइफ and out of this bonded labor and this slavery. So we request that everyone that please pray for us and support us in this regard and pay their loans that they can get freedom. God bless all. God bless you ji, hum aapke liye koshish kar rahe hain tamam aapko yahan se rahaiye ta. We are trying our best to help you and we hopeful and pray every day and night that duaon god yaad rakho aur ki duaon bhi karange naal amli bhi jehdi you also pray ki bizurgo apna naam ki apna ji ji ane masi haan ji kinni der to karde je kaam hoye baba 8-10 saal ho gaye is to pehle khandan to shuru karde san to bade ji ha eh khandani virasat de taur te kaam karde haan ji his name is Hanif Masih. Hanif Masih belong to Christian family. He is working here for 8 to 10 years. He is saying that he is also forefathers are working was working here and not because. इस बटे पर ये 10 साल से bonded हुए. And for 10 years they are bonded labor in this brick land. एक ये बट नहीं है बिल्कुल. क्या कर रहे हैं? He is 70 years old now in old age working in this brick land. और अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक बुजुर्ग आदमी मेहनत कर रहा है जबकि इस वक्त उन्हें सुकून की जरूरत है, आराम की जरूरत है. And you see that how this old man is working in brickland. However, this man need rest in this old age because हाँ बेटा इधर आओ आगे आओ अभी बंद कर देना विश्वास जाएगी.